एवरीवन, दिस इज अरबाज एंड वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। सो गाइस, भाई साहब, आज है 15 मई और आज मैं अभी एक खेत में आया, इसी बैठा। कल का एक दिन तो वेस्ट किया, बैठा हुआ था, अच्छा लग रहा था। ये रही अपनी बाइक और हम लोग आए अभी पपाया लेने के लिए। हाँ मोहम्मद, किसके खेत में लेके आया? पपाया लगे हुए तो लेके आए वहाँ पे, और बाकी लोग देखते हैं क्या सीन है, क्या क्या देखने मिलता है। आम लोग गए नहीं हम लोग खेत में आम देखने के लिए भी, तो लेट्स गो देखते। पूरा खेत देखो, पूरा खाली खाली। बाइक पीछे लगा दिया हमने, अच्छा हो गया गोबर मिल गई। वरना तो कल 42 डिग्री यहाँ पे गर्मी हुई थी मुंबई के हिसाब से। मुंबई में 34 हो रही है, चेक कर रहा था मैं वेदर क्या हाल है, बट यहाँ की जो गर्मी है ना, एकदम बोलते एकदम गर्म गर्म हवा चिपक रही है। और मैंने स्लीव्स भी नहीं लिया हाथ के, हाफ की टी शर्ट है, तो थोड़ा डर लग रहा है पूरा स्किन डैमेज ना हो जाए। चलते भी आगे देखते, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ पपाई। तो गाइस, हम लोग अभी आ चुके हैं यहाँ पे खेत में, लोग देख सकते हो ये है पपाई लगे हुए हैं। वाटर सीन एक नंबर, थोड़े कच्चे है ये, थोड़े पके हुए जो सही है। पका हुआ कौन सा एकदम दिखाने के लिए? हाँ ये देखो पड़ा हुआ है, अच्छा पका हुआ जैसे रहेगा दिखाने के लिए। ये गिरा देखो नीचे, ये फुल पका हुआ एकदम फ्रेश है, और ये एकदम देखिए कच्चा है पूरा, और बाजू में पका हुआ है। कितने दिन लगते बनने इसको? 6 महीने। देखो गाइस, पूरे जहाँ जहाँ तक नजर जा रही सब पपाया के पेड़ है, आप लोग देख सकते हो पूरे। और यही यही वो पेड़ है ना, वो क्या बोलते जो टाइफाइड होता है तो उसका पत्ता पीते, यही वाला है। इसको पीस करके पिया जाता है, जैसे कि मुंबई में बहुत कम दिखने मिलती है। पर भी देखो जैसे कैसा लगा भाई, देख सकते हो आप लोग। अभी निकाल रहे, थोड़े घर पे लेके जा रहे खाने के लिए, तो काट करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसा है कटने के बाद में। पूरा सूखा सूखा पड़ा है, देखो ये सड़ गए टूट के, ले लिया मोहम्मद ने। देखो भाई पूरा जहाँ तक नजर जाएगी वहां तक के, ये देखो बाजू में भी और दूसरे है बट खाली पड़े हुए, बाकी सुकून है खेत में एकदम। तो ये पपाया हम लोग लेके आ गए, ये पूरे भर के, कैसा लग रहा है उठा के लाके? अच्छा। अभी ये घर पे लेके जाएंगे और खाएंगे, देखेंगे पूरा। गाइस यहाँ पे पूरा अभी कब भरेगा? अभी बारिश में, अगले महीने बारिश होगी तो उसके बाद भरेगा। जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने देखा रहेगा वहां पे वो गन्ने लगे ना, गन्ने तो भरपूर है गाइस साहब। अभी बस जाके थोड़ा ठंडा पियेंगे। तो भाई लोग, फिर अपन आ चुके हैं आम के बाग में। देखो आप कितने नीचे आम लटक रहे हैं, सब फिलहाल कच्ची कैरी है भी, अभी इसमें से उतारा नहीं गया है। देख सकते हो आप लोग, ये भी आम का पेड़ है, वो भी आम का पेड़ है, वो भी वही है, वो भी वही है, वो भी आम का है। देखो लाल लाल कैरी रेड कलर में दिख रही है, उधर भी है। और ये देखो गाइस सामने, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लगे हुए है, और ये देखिए मैं इसको हाथ भी लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे ठंडा ठंडा मटके का पानी पी लिए, और देखो पूरा टोटल आम का बाग ही है पूरा, ये ओनली मैंगो ट्रीज है यहाँ पर, दूसरा कुछ नहीं दिखेगा। उसके बाद देखिए पूरा खाली है खेत, आइए जहाँ दूर तक नज़र आ रही है वो सामने इमली का पेड़ है, वो सामने टावर दिख रहा है आपको, वो मेन बस स्टैंड है। बाकी इतना अंदर हम लोग आ चुके, अभी मोहम्मद गया आके उसकी बकरियों को लेके। मैं यहाँ पे सोचा वीडियो बना लूँ, चाचा निगरानी के लिए बैठे कि कोई आम चुरा ना ले। सही बात है, किसी की मेहनत बेकार करना, तो आम तो लेंगे नहीं, बट वीडियो शूट करने मिल गया अपने को। अच्छा ये रहा मोहम्मद, एकदम टपेल टपेल के लपेट के। अभी अपन लोग जाएंगे, बिकॉज ऑफ मैं यहाँ पे ये चप्पल पहन के आया हूँ, इसके अंदर बहुत सारी लकड़ी घुसी है और पैर पे मार लग रहा है मेरे को। बाइक मैंने खड़ी किया हुआ दूर, तो अभी मैं चाहता हूँ इसको छोड़ के, ये धूप में अपने को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चलो फिर आगे निकलते, देखते क्या क्या देखने मिलता है। ये इसकी बकरियाँ देख सकते हो आप लोग, है शांति है, वो भी चाचा खड़े हुए। तो गुड आफ्टरनून एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज है ट्यूसडे और आज मैं जा रहा हूँ नाना, जैसे आप लोगों को बताया था मैंने, जाने वाला था दरगाह पे, वो है शेख फरीद बाबा की दरगाह है, तो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। और ये है कुछ आज का लुक, आप लोग देख सकते हो। कल जैसे आज का अपना ब्लॉग अधूरा रह गया था, तो उसी में मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, जैसे आप लोग देख सकते हो मैंने कल का ब्लॉग एंड नहीं किया, जो पपाई हम लोग लेने गए थे। तो बस अभी जाते हैं और अभी निकलेंगे, और ये बाइक अपनी रेडी है यहाँ पे, देख सकते हो आप लोग। इसको लेके जा रहे साथ में लड्डू को, और मोहम्मद है अपने साथ में,
तो अभी निकलते हैं यहाँ से, निकल करके आपको थोड़ा सा रास्ता भी दिखाता हूँ कैसा है क्या है। रास्ता थोड़ा खराब था पिछली बार, अभी देखते कैसा बना है, और दरगाह भी देखेंगे और आप लोग को भी दिखाऊंगा, तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहना। तो चलो फिर निकलते हैं यहाँ से। तो भाई साहब अभी हम लोग निकल चुके हैं, ऑलमोस्ट 3-4 किलोमीटर चला लिए गाड़ी। बोला चलो यहाँ से अपन लोग अभी आपको रिकॉर्डिंग करके दिखाते। ये रास्ता 1 साल पहले आया था, तब भी ऐसा ही था। मेन रास्ता तो वहाँ पे मारडी नानाज रोड कहा जाता जिसे, बट पता नहीं वो बनता क्यों नहीं है रोड। अभी ये हम लोग खेत में से निकलते हैं, देख सकते हो बाकी में इसके बाजू में जो है अंदर से जो रोड बनाए जाते हैं, जो पत्थर डाल के जो भी वगैरह होते हैं, ये उसी के रोड है। ये रोड उससे कई गुना अच्छे, वो टूटे हुए रोड। गाइस भाई फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, और वो देखते हैं आपको मेन गेट है दरगाह का, अभी फिलहाल ही खाली है, वरना मैं लास्ट टाइम पे आया था तो उरूस के टाइम पे पूरा यहाँ पे ना पूरा जाम लग जाता, पूरा पूरा। ये पार्किंग के लिए जगह भी नहीं मिलती, पार्किंग सब बाहर होती है, और बाइक अपन ये पेड़ के नीचे पार्क के लिए, और यहाँ देखते तो सब नियाज वगैरह करते जो भी रहेगा, और यहाँ बैठे हुए अभी भी चालू है किसी ना किसी का, और वो रही मेन दरगाह। ये देख सकते हो, अंदर चलते आगे। तो भाई साहब ये देख सकते हो लोग, घोड़े का क्या राज है पता नहीं अपने को भी क्या है, बट है। अभी नियाज चालू है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो। ये है दरगाह में हजरत शेख फरीद नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए हजरत शेख फरीद, और जो भी श्री नागनाथ गेमगा सुबह जो भी सरपंच है किसी ने बनवाया रहेगा ना, काम करवाए हैं जो, बाकी इधर भी है आप लोग देख सकते हो, है झाड़ के नीचे मस्त बैठो। ये है हजरत शेख फरीद नीम के पेड़ के नीचे सामने, ये बनते हैं। और वो उसका क्या है सामने जो है ट्रावर, फोटो शूट के लिए। ओके चलो अभी हम लोग भी जरा ज़ियारत वगैरह कर लेते। तो भाई साहब अभी यहाँ से निकले और थोड़ा सा शुगर कैंस का जूस पियेंगे एकदम ठंडा ठंडा गर्मी के अंदर, और फिर यहाँ से निकलते पीने के बाद टेस्ट करते कैसा है। एक नंबर गुड मॉर्निंग गाइस, फाइनली आज फिर से एक न्यू दिन की शुरुआत हो चुकी है, और हम लोग कल खेत में जाके आए थे, उसके बाद मैंने व्लॉग को आगे कंटिन्यू नहीं किया, तो आज मैं जा रहा हूँ सोलापुर। आज है वेनसडे, और आज का अपना शेड्यूल कैसा रहेगा कि अपन लोग अभी जाएंगे यहाँ से सोलापुर, उसके बाद में सबसे जो मिलना है करेंगे। और अभी हम लोग आए हैं कहाँ पे, ये देखो मोहम्मद को पीछे आया पानी भरने के लिए, तो मतलब ये भी एक्सपीरियंस ले लेते। पहले के मुकाबले बहुत सही हुआ है, अभी पहले बहुत यहाँ पे लाइन लग चुकी है, अभी इतनी बड़ी टंकी लग चुकी है, देख सकते हो आप लोग ये पानी भर दिया है। यही यहाँ का है तरीका लेके जाने का, साइकिल पर लगा के चलो, जुगाड़ है ये जैसी जुगाड़ है, देख भी नहीं इसके अंदर तो रब्बा कैसे लेके जाते हैं। इधर उधर जाइए, ये कुछ स्टाइल है इधर का नया लेके जाने का। बाइक पे लेके आ सकते थे, बट बाइक पे 2 ही घंटे बैठे।
भाई साहब फाइनली जो ये व्लॉग का एंड करने का टाइम आ चुका है। होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जरूर से जाना। वीडियो में क्या अच्छा लगा मुझे कमेंट करके बताना। अभी मैं निकलूंगा सोलापुर के लिए, बस जस्ट मोहम्मद को थोड़ा सा काम है। तो आप लोग ये देख सकते हो बैकग्राउंड में पूरे जो क्या कहते हैं वो एनिमल्स के लिए जो लोग लेते हैं खाने के लिए घास है और चरबा वरबा कहा जाता है, तो वो लेने के लिए आए। तो वो देख सकते हो आप लोग बैकग्राउंड में पीछे वो कार्टन कुटी चालू है इसकी, वहाँ पे ये देखो साफ कर रहा है। ये लेके जाते हैं, फिर ये ले करके निकलते हैं, उसके बाद में मैं रेडी हो गया कि निकलता हूँ सोलापुर के लिए। और आप लोगों को कल का व्लॉग जो रहेगा दरगाह का व्लॉग मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा अच्छे से जो भी चीज़ रहेगी। तो चलो फिर निकलते इसी तरह से। बाय बाय, टिक के, अल्लाह हाफिज़।